गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग नरेंद्र विकास अंकित विजेंद्र संदीप ऋतुराज अभय कुमार प्रयाग द्विवेदी अभय कुमार अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग अब्दुल सुमन नरेंद्र राहुल मोहन संदीप लोकेश प्रजापत अनमोल सोनम चंदन शंकर अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग हाँ जी तो भाई ये जो बैच है आप लोगों का ये प्रैक्टिस सेट बैच है जैसे कि आप लोगों को पता है और ये जो प्रैक्टिस सेट बैच है ये कौन सा प्रैक्टिस सेट बैच है 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 चैप्टर वाइज 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 टॉपिक टॉपिक प्रैक्टिस सेट बैच बैच ना हाँ जी इस में जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो करेंगे चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर को मैं उठाऊंगा और उस चैप्टर के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे जीरो टू टॉप लेवल तक के क्वेश्चंस की हमें बेहतर तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी है ना देखते हैं आज आप लोगों को सबसे पहला जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं डेट इज क्लॉक घड़ी है ना आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो घड़ी के क्वेश्चंस की करेंगे और देखना हमें ये होगा कि आप लोगों को कितनी प्रैक्टिस है क्लॉक चैप्टर की कितने क्वेश्चंस आप लोगों को आते हैं और आप कितनी जल्दी उन क्वेश्चंस को बना पाते हो ठीक है तो क्या आप तैयार हैं अच्छा क्लॉक चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बस मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्लॉक चैप्टर है ये जो घड़ी चैप्टर है इस चैप्टर में टोटल कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बता दूं। देखो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चंस बनते हैं क्लॉक चैप्टर के अंदर वो बनते हैं रिलेटेड टू इमेज आप लोगों को पता है इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें वाटर एंड मिरर इमेज का क्वेश्चन आता है कि, कि किसी भी घड़ी को अगर हम दर्पण में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा या किसी भी घड़ी को अगर हम पानी में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा मैं जस्ट चैप्टर की प्रैक्टिस शुरू करने से पहले आप लोगों के माइंड में एक बार क्लॉक का रिविजन करवाना चाहता हूँ जल्दी से ठीक है तो पहला जो क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर के अंदर वो बनते हैं रिलेटेड टू इमेज नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं रिलेटेड टू एंगल कोई भी पर्टिकुलर टाइम हमें दिया होगा और उस समय हमसे पूछा जाएगा कि बताओ इस समय दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना है ठीक है कोई भी पर्टिकुलर टाइम हमें दिया जाएगा और दोनों सुइयों के बीच का कोण हमसे पूछा जाएगा थर्ड जो टाइप है इसमें वो है रिलेटेड टू टाइम रिलेटेड टू टाइम का मतलब ये है कि जिसमें एंगल गिवन होगा और हमसे टाइम पूछा जाएगा कि कोई भी पर्टिकुलर एंगल किस समय बनता है कोई भी पर्टिकुलर एंगल किस समय बनता है नेक्स्ट बनते हैं इसमें रिलेटेड टू क्लॉक एरर जब घड़ी हमारी स्लो और फास्ट होती है और कुछ क्वेश्चंस इसमें बनते हैं जनरल आईक्यू बेस्ड कुछ क्वेश्चन आईक्यू बेस्ड भी होते हैं जैसे कि आप लोग ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो ये वाला जो क्वेश्चन देख रहे हो ये ना तो इमेज का क्वेश्चन है ना एंगल का ना टाइम का ना एरर का ये जो क्वेश्चन है ये आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो बेसिकली हम जो इस चैप्टर में प्रैक्टिस करने वाले हैं क्लॉक चैप्टर के अंदर वो इन पाँचों टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं और इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है अगर आप इन पांचों टाइप के क्वेश्चंस के आंसर दे पाते हो तो ये चैप्टर आपका कंप्लीटली फिनिश होगा ठीक है तो भाई आप लोग तैयार हो जाओ फटाफट से पेन और पेपर लेकर वैसे हमारी क्लास में ना के बराबर पेन की जरूरत पड़ती है आप लोगों को तो पता ही है तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा जो आपको ऑलरेडी दिख रहा है ठीक है जी तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है बेटा पुजारी ने पुजारी ने एक भक्त से कहा पुजारी ने एक भक्त को बताया कि घंटी पैंतालीस मिनट के नियमित अंतराल पर बजती है मतलब मंदिर की जो घंटी है वो हर पैंतालीस मिनट के अंतराल पे बजाई जाती है अंतिम घंटी पांच मिनट पहले बजी थी है ना लास्ट जो बेल थी वो पांच मिनट पहले ही बजी थी और अगली घंटी सात पर बजेगी मेरे भाई मेरे दोस्त विदाउट पेन एंड पेपर ही आंसर देना है आपको हाँ जी मुझे एक बात ये बताओ अगर अगली घंटी सात पर बजेगी और हर पैंतालीस मिनट बाद हमारी घंटी बजती है तो अगली घंटी अगर सात पैंतालीस पर बजेगी तो इससे पिछली घंटी कितने बजे बजी होगी सर ठीक सात बजे क्योंकि हर पैंतालीस मिनट में घंटी बजती है अगली घंटी सात पैंतालीस पर होगी तो इससे पिछली घंटी ठीक सात बजे बजी होगी और पुजारी ने यह बोला था कि घंटी 5 मिनट पहले ही बजी थी यानी कि जो व्यक्ति था वो जो पुजारी था उसने घंटी बजने के पाँच मिनट बाद बताया तो इससे पिछली घंटी ठीक सात बजे बजी और पुजारी ने यह बात उसको कब बताई घंटी बजने के पांच मिनट बाद यानी कि पर। और क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने एकदम परफेक्टली दिया है मैंने आप लोगों के नाम इसलिए नहीं दिए क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे पहले ही आपके स्क्रीन पे आ गया था और आप लोगों ने पहले ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था अब देखते हैं अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ कि कौन नेक्स्ट क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर देगा सही सबसे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई हाँ जी इस क्वेश्चन का देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देने वाला है सेकंड क्वेश्चन का हाँ जी रवीना ने क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना बेटा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये बड़े ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को रवीना ने सामान्य से पंद्रह मिनट पहले बस स्टॉप के लिए अपना घर छोड़ दिया मतलब सामान्य से पंद्रह मिनट पहले अपना घर छोड़ दिया स्टॉप पर पहुंचने में उसे दस मिनट लगते हैं कुल कितने मिनट लगते हैं दस मिनट लगते हैं स्टॉप पर पहुंचने में विशाल रंजन कपिल चंदन वाह वाह गुड 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 जल्दी से आंसर दो बेटा जल्दी से जल्दी से फटाफट से आंसर दो इस क्वेश्चन का <laughs> देखो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है और ये कम्प्लीटली आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा ठीक है इसमें कोई यूज नहीं होगा आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और इतने बच्चे इस क्वेश्चन का गलत आंसर दे रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं कुछ ही बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पा रहे हैं जिस <laughs> देखो रवीना ने सामान्य से पंद्रह मिनट पहले बस स्टॉप के लिए अपना घर छोड़ दिया मतलब सामान्य अपना घर छोड़ती है उससे पंद्रह मिनट पहले ही वो आज अपने घर से निकल गई और उसे बस स्टैंड पहुंचने में दस मिनट लगते हैं और वो आठ बजकर चालीस मिनट पर बस स्टॉप पहुंचती है इसका मतलब उसको दस मिनट अपने बस स्टॉप पर पहुंचने में लगते हैं और आठ चालीस पर अगर वो पहुंची है इसका मतलब इससे ठीक दस मिनट पहले वो निकली थी तो वो निकली थी आठ बजकर तीस मिनट पर लेकिन हमसे कहा गया है उसने आज पंद्रह मिनट पहले ही अपना घर छोड़ दिया तो वो पंद्रह मिनट पहले ही अपना घर छोड़ चली तो पंद्रह मिनट पहले छोड़ दिया है और टाइम था आठ तीस यानी कि जो एक्चुअल टाइम होगा वो क्या होगा बेटा आठ बजकर पैंतालीस मिनट क्योंकि ये जो टाइम है ये वो टाइम है जो पंद्रह मिनट पहले का समय है ठीक है सामान्य से पंद्रह मिनट पहले छोड़ दिया तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर बेटा आठ तीस नहीं आठ पैंतालीस होगा हमसे पूछा है आमतौर पर बस स्टॉप के लिए वह किस समय घर से निकलती है वट टाइम डज यूजली लीव होम फॉर द बस स्टॉप ठीक है बात को ध्यान से समझो लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन कंप्लीटली ई क्यू बेस्ड क्वेश्चन है इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा आप लोग सोचो कि सर कोई फॉर्मूला बता दे यहाँ पर कोई फॉर्मूला यूज नहीं होने वाला है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो रीचिंग द प्लेस ऑफ मीटिंग ट्वेंटी मिनट्स बिफोर एट फिफ्टी बस the <laughs> भैया सुदेश कुमार भैया बस इतनी तारीफ मत करो बस क्वेश्चन का आंसर देने पे ध्यान लगाओ आप जल्दी से फटाफट से हाँ जी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर हरे नरे लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो मुझे पता है अगर मैं बोलूँगा तो मेरे बोलते बोलते आप लैंग्वेज पढ़ने में कंफ्यूज हो जाओगे एग्जैक्टली exactly क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है देखते हैं इस क्वेश्चन का सबसे पहला आंसर दिया है सतीश सतीश का आंसर एकदम परफेक्ट है रमन जैन रमन जैन का आंसर एकदम परफेक्ट है जितेंद्र तोमर जितेंद्र सिंह तोमर वेरी गुड जॉब शाबाश विजय विभोर यादव आशा बंटी हरेंद्र वेरी गुड जॉब राकेश गुड गुड वेल डन अब तो बेहतरीन अब तो आंसर सानी ही लगेंगे लेकिन आंसर आने में थोड़ा सा देखो समय लगा इतना टाइम नहीं लगना चाहिए मिलने के स्थान पर 8:50 से 20 मिनट पहले पहुंचकर ये बताओ 8:50 से 20 मिनट पहले पहुंचा यानी कि वो पहुंचा कितने बजे वो पहुंचा है 8:30 पर क्योंकि आठ पचास से बीस मिनट पहले पहुंचा तो आठ तीस पर पहुंच गया तो संजय ने क्या पाया जो व्यक्ति चालीस मिनट देरी से आने वाला था उसकी तुलना में संजय तीस मिनट पहले आ गया मतलब संजय तीस मिनट पहले पहुंचा है संजय तीस मिनट पहले पहुंचा तीस मिनट पहले पहुंचा किससे 30 तीस मिनट पहले पहुंचा जो व्यक्ति खुद 40 मिनट देरी से था तो संजय किससे 30 मिनट पहले पहुंचा संजय पहुंचा है उस व्यक्ति से 30 मिनट पहले जो व्यक्ति 9 बजे आएगा इसी से तो 30 मिनट पहले पहुंचा तो संजय किससे 30 मिनट पहले पहुंचा जो व्यक्ति 9 बजे आएगा उससे ठीक 30 मिनट पहले संजय पहुंच गया और ये जो व्यक्ति नौ बजे आया है ये खुद कितने मिनट देरी से आता है ये चालीस मिनट देरी से आते हैं ये भाई साहब 40 मिनट देरी से पहुंचे हैं तो जो एक्चुअल टाइम होगा वो क्या होगा सर एक्चुअल टाइम होगा आठ बजकर बीस मिनट क्योंकि इसके ठीक 40 मिनट बाद ही वो पहुंचते हैं तो ये भाई साहब अगर 40 मिनट देरी से पहुंचते हैं तो जो एक्चुअल टाइम होगा वो इससे ठीक 40 मिनट पहले होगा यानी कि आठ बजकर बीस अब आप देख लो कितने बच्चों का आंसर सही था आठ तो थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है लैंग्वेज को पढ़ना है वो भी बहुत जल्दी से और ऐसे क्वेश्चन अक्सर हमें कन्फ्यूज कर देते हैं जब हम इन क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम्म नेक्स्ट फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो चलो इस बार मैं दस सेकंड तक कुछ नहीं बोलूंगा देखते हैं सबसे पहला आंसर कौन देगा अर्पित उपाध्याय बेटा आंसर दो ओहो अर्पित उपाध्याय ने ही सबसे पहले आंसर दिया है वाह गुड आनंद नीरज गुड गुड वेरी गुड वेरी गुड प्रिया यादव मोहित सिंह रजन लक्ष्य कुट्टू वेरी गुड वेल्डन श्याम अरुण वेरी गुड सुमन सचिन वेल्डन अमित वेरी गुड 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 ग्रेट जॉब छापा अब तो सबके आंसर आने लगे वेल्डन देखो एक कक्षा प्रातः दस बजे से लेकर एक बजकर सत्ताईस मिनट तक चलती है एक क्लास है जो दस बजे से लेकर एक बजकर सत्ताईस मिनट तक चलती है यानी कि टोटल कितने आवर्स कितने मिनट चली? भैया दस से एक कितने घंटे हुए तीन घंटे हुए प्लस सत्ताईस मिनट तो तीन घंटे सत्ताईस मिनट चलती है टोटल मिनट्स कितने होगा बेटा तीन घंटे में कितने मिनट 6, अठारह एक सौ अस्सी प्लस सत्ताईस कितना आ गया सात तो दस, एक दो सौ सात मिनट तो टोटल दो सौ सात मिनट हुए भैया दस बजे से लेकर एक बजकर सत्ताईस मिनट तक टोटल कितने मिनट हुए दो सौ सात मिनट हुए इस अवधि में चार पीरियड होते हैं बेटा फोर लेक्चर्स हैं, चार लेक्चर्स होने हैं चार पीरियड होने हैं प्रत्येक पीरियड के बाद पांच मिनट का गैप है ठीक है तो मुझे एक बात बताओ अगर चार पीरियड हैं और पांच पांच मिनट के अंतराल में हैं तो टोटल कितने गैप होंगे चार पीरियड हैं तो गैप कितने होंगे सर गैप होंगे तीन क्योंकि जब जब पहला पहला पीरियड पीरियड शुरू होगा दूसरा आएगा तभी तो पहला गैप होगा तो चार पीरियड है तो गैप कितने होंगे तीन तो बेटा पांच पांच मिनट का गैप है तो तीन गैप हो गए कितने मिनट के पांच या पंद्रह मिनट के है ना तो पंद्रह मिनट के गैप हो गए तो पंद्रह मिनट इसमें से हटा दो, दो सौ सात में से पंद्रह माइनस कर दो और टोटल चार पीरियड हैं तो एक पीरियड की वैल्यू कितनी आएगी चार से भाग कर दो तो कितना आ गया बेटा एक सौ बानवे right ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन था टोटल मिनट्स हो गए हमारे दो सौ सात पांच मिनट का गैप होता है तीन गैप है पंद्रह मिनट का गैप दो सौ सात में से पंद्रह माइनस कर दो चार पीरियड है एक पीरियड की वैल्यू बटाचार खत्म चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो ये क्वेश्चन शायद आपको कंफ्यूज कर सकता है हाँ जी इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको शायद कंफ्यूज कर सकती है जी अमित कुमार ओके <laughs> okay, अर्पित तो बात है हमारे ही भरोसे रीजनिंग बड़ी थी चलिए तो शायद इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको कंफ्यूज कर सकती है इफ इफ द डिजिट ऑब्लिक नंबर ऑफ अ डायल क्लॉक आर रिप्लेस्ड इन सच अ वे दैट 5 टेक्स द प्लेस ऑफ 7 एंड टेक्स द प्लेस ऑफ 7 एंड दिस अरेंजमेंट गोस ऑन इन द सेम वे देन व्हाट कम्स इन द प्लेस ऑफ 11 देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है लगने को तो बड़ा सिंपल सा है और थोड़ा सा टफ भी हो सकता है एक घड़ी है है ना क्लॉक बनी हुई है भैया क्लॉक का चैप्टर है कम से कम घड़ी तो देखी लो कैसी होती है है हा? नहीं हाँ जी तो क्वेश्चन क्या है कि इस घड़ी में हमने क्या किया इस घड़ी में हमने बोला है कि जो छ है छ के स्थान पर आ जाएगा फाइ छ के स्थान पर आ जाएगा फाइ और सात के स्थान पर आ जाएगा एन सात के स्थान पर आ जाएगा एन ठीक है और सीरीज क्या थी बेटा ये वाली सीरीज थी अब जरा इस सीरीज को ध्यान से देखो तो आठ के स्थान पर क्या आएगा बेटा फाइ फाई आया है छ के स्थान पर सात के स्थान पर एन आया है सात के स्थान पर एन आया है तो फाइव एन के बाद आठवें स्थान पर कौन आएगा बिल्कुल सही कहा आपने आठवें स्थान पर सेवन आएगा लेकिन बेटा हम्म फाइव के बाद एन एन के बाद क्या आएगा सेवन आएगा लेकिन हम इसको पूरा क्लॉकवाइज नहीं घुमा सकते इस तरीके से पूछो क्यों क्योंकि यहाँ पे जो सिम्बल्स की वैल्यू है वो बारह से कहीं ज्यादा है अगर ये वैल्यू बारह से ज्यादा है इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारे सिम्बल्स का यूज नहीं कर सकते अगर इसकी वैल्यू छ है तो ये छ वैल्यू पता है क्यों है क्योंकि इसकी वैल्यू पांच थी इसकी वैल्यू चार थी इसकी तीन थी इसकी दो थी इसकी एक थी यानी कि जो हमारी घड़ी बनना शुरू हुई बेटा वो यहां से शुरू हुई तो पहला नंबर एल को दिया गया दूसरा डॉट को तीसरा चौथा पांचवा छठा फिर सातवां आठवां नवा दसवां और ग्यारह तो हमसे क्या पूछा था तो ग्यारह के स्थान पर क्या आएगा बेटा तो 11 के स्थान पर क्या आएगा 11 के स्थान पर थीटा आएगा ठीक है 11 के स्थान पर क्या आएगा थीटा आएगा ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। हाँ जी ये भी कुछ थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन ही है थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये भी ज्यादा नहीं थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बेटा देखो क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या द डिजिट एंड नंबर ऑफ अ द डिजिट ऑब्लिक नंबर फ्रॉम वन टू ट्वेंटी फोर टू बी रिप्रेजेंटेड बाई द डायल ऑफ अ क्लॉक। एक से चौबीस तक के जो अंक है ना एक से चौबीस तक के जो अंक है वो अंग्रेजी बड़माला के एक अक्षर द्वारा प्रतिस्थापित किए गए घड़ी की डायल द्वारा दर्शाए गए अक्षर का प्रतिस्थापन सी अक्षर से शुरू हुआ है सी अक्षर से शुरू हुआ है तो कौन सा अक्षर सोलह बजे को दर्शाता है मेरे भाई 16 बजे को दर्शाता है अक्षर का प्रतिस्थापन सी अक्षर से हुआ है तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर देने में थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हैं पूछो क्यों वो इसलिए कन्फ्यूज हो सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर देने में क्योंकि सी से प्रतिस्थापन शुरू हुआ ये सी है ये डी है ये ई है और ये एफ है तो वो जानते हैं कि 16 का मतलब होता है चार 16 का मतलब चार होता है तो बेटा गलती से भी इस क्वेश्चन का आंसर एफ मत देना और वैसे भी बेटा एफ ऑप्शन में नहीं है तो आप बच गए अगर एफ ऑप्शन में होता तो शायद आप इस क्वेश्चन का गलत आंसर देते देखो 24 घंटे की घड़ी का मतलब है कि एक से लेकर बारह तक तो नंबर यहाँ पर है और फिर तेरह से लेकर चौबीस तक के नंबर यहाँ पर है तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस समझे तो हमसे पूछा है सोलह नंबर पे क्या आएगा तो मेरे दोस्त अगर सी पहले नंबर पे है तो सोलह नंबर पे कौन सा होगा सी अगर पहले नंबर पे है यानी कि बेटा एक में कितना कि सोलह बन जाए सर एक में पंद्रह जोड़ दो पंद्रह तो सी का प्लेस होता है तीन तो बेटा सी में अगर हम पंद्रह जोड़े तो बनेगा क्या अठारह पंद्रह और तीन अठारह अठारह किसका प्लेस होता है आर का क्योंकि ये इससे पंद्रह ज्यादा है तो ये भी इससे पंद्रह ज्यादा होगा क्योंकि सीक्वेंस में ही हम इन लेटर्स को बढ़ा रहे हैं ये सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन फिर ओ पी क्यू आर समझे इस तरह से तो ये इससे पंद्रह ज्यादा है तो ये भी इससे पंद्रह ज्यादा होगा सी प्लस पंद्रह आर तीन प्लस पंद्रह अठारह अठारह मतलब आर चलिए तो ये जो छः क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं ये छह क्वेश्चन आपके आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन थे इन छः के छ क्वेश्चन में हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया हमने कोई ट्रिक यूज नहीं करी कुछ नहीं किया ये छः क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन थे जिनको सिर्फ पढ़ना था और आंसर देना था लेकिन हो सकता है अब जो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी हो सकते हैं डायरेक्ट अप्रोच भी हो सकती है उनकी तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुईयां एक एक सीधी रेखा में आती हैं फटाफट से दो से तीन सेकंड में आंसर अरे वाह भाई वाह रमन जैन सबसे पहले आंसर हरजीत सिंह अल्टीमेट ग्रेट जॉब शाबाश मनोज अल्टीमेट <laughs> देखो जो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं बाईस वो फटाफट से मुर्गा बन जाएं और मुर्गा बनके जोर से चिल्लाए कुकुड़ को बेटा इतनी जोर से कुकुड़ को कु होना चाहिए कि मेरे पास तक दिल्ली मुखर्जी नगर तक तुम्हारी साउंड आनी चाहिए जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर बाइस दे रहा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में गलत आंसर मत दो एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइया एक सीधी रेखा में होती है एक सीधी रेखा का मतलब क्या होता है सर एक सीधी रेखा दोनों है जीरो डिग्री भी एक सीधी रेखा होती है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और 180 डिग्री भी एक सीधी रेखा होती है बोथ आर स्ट्रेट लाइन ये दोनों ही एक सीधी रेखा है ठीक है तो घड़ी की सुइयों का आपस में मिलना ये भी एक सीधी रेखा है घड़ी की सुइयों का एक दूसरे के विपरीत आना ये भी एक सीधी रेखा है तो 24 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में आती हैं तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री बनता है 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री बनता है तो 12 घंटे में ठीक है बारह घंटे में ग्यारह बार ही ज़ीरो डिग्री बनता है तो बेटा पूरे चौबीस घंटे में कितनी बार बनेगा पूरे चौबीस घंटे में बाईस बार बनेगा सर वन एट्टी डिग्री भी बारह घंटे में ग्यारह बार ही बनता है तो ये भी पूरे चौबीस घंटे में कितनी बार बनेगा बाईस बार बनेगा तो बेटा बाईस और बाईस इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा फोर्टी फोर क्योंकि हमें दोनों की वैल्यूज ऐड करनी है अब मैं जरा एक और कंसेप्ट इसमें याद दिलाना चाहूंगा आपको याद करो बेटा जीरो डिग्री की वैल्यू कम, कम, कम क्यों होती है छह की वजह से और बेटा नाइनटी डिग्री की वैल्यू कम कब होती है तीन और नौ की वजह से ठीक है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट का आंसर दो फटाफट से जल्दी से हाँ जी क्वेश्चन नंबर एट का आंसर दो फटाफट से बेटा एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइया संपाती अब देखो यहां पर संपाति वर्ड का मीनिंग है पंकज अमित चौधरी मीना रवि सुनील बंटी तेजेंद्र अजय विकास अक्षय सुबोध अब दिया आप लोगों ने एकदम परफेक्ट आंसर गुड जॉब तो हाउ मेनी टाइम डू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक को इन साइड इन अ डे तब हम बहुत अच्छे से जानते हैं को मतलब क्या होता है सर का मतलब होता है जीरो डिग्री ओवरलैप लेप संपाति का मतलब होता है द जब घड़ी की एक साथ होती है और अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बारह घंटे में ग्यारह बार घड़ी की सुइया एक साथ होती है तो पूरे एक दिन में चौबीस घंटे में कितनी बार होंगी बाईस बार ट्वेंटी टू टाइम्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर पे चलते हैं अरे हाँ जी आ जा बहुत सोच समझ के इस क्वेश्चन का अरे तू कहा जा रहा है मेरे भाई ऐसे नहीं करते अच्छी गंदी बात हाँ आजा 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अधिक चलेगी बहुत सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर देना 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अधिक चलेगी और आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो मिनट की सुई होती है वो एक मिनट में छः डिग्री चलती है मिनट की सुई एक मिनट में छह डिग्री चलती है और घंटे की सुई बेटा एक मिनट में सिर्फ आधा डिग्री चलती है ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है पता है कि नहीं पता मिनट हैंड सिक्स डिग्री पर मिनट और आवर हैंड हाफ डिग्री पर मिनट मिनट की सुई एक मिनट में डिग्री चलती है और घंटे की सुई एक मिनट में सिर्फ आधा डिग्री चलती है तो मेरे भाई दोनों सुइयों में डिफरेंस कितना हो गया हाँ देखो मिनट की सुई सोलह मिनट में कितना चलेगी भाई सोलह छिक छियानवे छियानवे डिग्री मिनट की सुई 16 मिनट में चलेगी सोलह छियानवे डिग्री और घंटे की सुई 16 मिनट में कितना चलेगी 16 का आधा कर दो 8 डिग्री तो छियानवे 94? 94 बहुत पिटोगे तुम तो? एट्टी सिंपल हाँ 88 भाई सोलह मिनट में वो आधा डिग्री हाफ आठ सोलह में आठ माइनस कर दो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन फटाफट से इसका आंसर दो If a clock striker 12 in 33 second, <laughs> देखो इस क्वेश्चन का आंसर देना हाँ जी अरे अरे बेटा तू कहा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है हाँ रुक जा यदि एक घड़ी में 33 सेकंड में 12 से टकराती है 12 बार टकराती है तो वह कितने सेकंड में 6 से टकराएगी भैया 33 सेकंड में 12 से टकराती है तो कितने सेकंड में 6 से टकराएगी में बारह से टकराती है इफ अ क्लॉक ट्वेल्व इन थर्टी थ्री सेकेंड देखो मेरे भाई आपने क्वेश्चन सुना होगा कि घड़ी बजती है रिंग है ना दस सेकेंड में दस बार बजी तो पांच बार बजने में उसको कितना समय लगेगा तो मेरे भाई ये इंटरवल ध्यान दिया करो जैसे अगर घड़ी कोई दस बार बजती है तो उसके बीच में नौ इंटरवल होते हैं अगर घड़ी पांच बार बजती है तो उसके बीच में चार इंटरवल होते हैं जैसे एक बार बजी दो बार बजी तीन बार बजी चार बार बेटा चार बार बजी, लेकिन इंटरवल कितने हैं? एक, तो एक कम होते हैं तो जो भी समय होता है ना बेटा वो नंबर ऑफ इंटरवल का समय होता है तो बारह स्ट्राइक 33 सेकेंड लगे बेटा इसका मतलब ये है कि इंटरवल कितने का होगा ग्यारह का होगा तो so, so, 11 के इंटरवल के लिए कितने सेकंड लगे 33 सेकंड लगे अब उसको 6 पे स्ट्राइक करना है तो 6 पे स्ट्राइक करने का मतलब क्या है कि इंटरवल कितने होंगे पांच तो बेटा 11 इंटरवल के लिए 33 लगा तो पांच इंटरवल के लिए कितना लगेगा अगर 11 इंटरवल के लिए 33 सेकंड लगे हैं उसको तो पांच इंटरवल के लिए कितने लगेंगे तेतीस बटा ग्यारह गुणा पांच पांतिया पंद्रह सेकेंड फिफ्टीन सेकेंड इज द राइट आंसर क्योंकि सिंपल सी बात यह है घड़ी जितनी बार रिंग करेगी इंटरवल काउंट होगा बीच में इंटरवल हमेशा एक कम होता है तो अगर 12 पे स्ट्राइक किया तो 11 इंटरवल तो 11 इंटरवल में लगा समय 33 सेकंड 6 पे स्ट्राइक करेगी यानी कि पांच इंटरवल तो पांच में कितना समय लगेगा 33 बटे ग्यारह इंटू पांच यानी कि 15 सेकंड सिंपल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन का आंसर दो जितने समय में सेकंड की सुई जितने समय में सेकंड की सुई 480 डिग्री घूमती है उतने समय में मिनट की सुई कितने डिग्री घूमेगी ये बढ़िया क्वेश्चन है है ना ये क्वेश्चन बढ़िया है अच्छा जितने समय में सेकंड की सुई 480 डिग्री घूमती है जितने समय में सेकंड की सुई 480 डिग्री घूमती है उतने ही समय में ये मिनट की सुई नहीं था उतने ही समय में ये एग्जेक्टली मिनट की सुई नहीं था उतने ही समय में हाउ मेनी डिग्री विल द द मिनट हैंड मूव इन इन सेम टाइम बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब ठीक है क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि भाई साहब जितने समय में सेकंड की सुई 480 डिग्री घूमती है उतने ही समय में मिनट की सुई कितने डिग्री घूमेगी तो आप लोग मुझे एक बात बताओ सेकंड की सुई एक मिनट में कितने डिग्री घूमती है सर जो सेकंड की सुई होती है ना जो सेकंड हैंड होती है हमारी सेकंड की सुई जो होती है वो एक मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेती है यानी कि 360 डिग्री तो मेरे भाई जो सेकंड की सुई होती है वो एक मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेती है तो यानी कि 360 डिग्री चलने में सेकंड की सुई को लगते हैं एक मिनट ठीक है हमें सेकंड की सुई को कितना चलाना है 480 डिग्री तो 480 डिग्री चलने में सेकंड की सुई को कितने मिनट लगेंगे एक बटा तीन सो साठ गुना चार मिनट लगेंगे। तो सेकंड की सुई को 480 डिग्री चलने में इतने मिनट लगे इसको अगर हम सॉल्व करें जीरो से जीरो कट गया बारह चौक अड़तालीस बारह तीस छत्तीस चार बटे तीन मिनट तो सेकंड की जो सुई है वो चार बटे तीन मिनट में चार सौ अस्सी डिग्री चल लेती है तो हमसे ये पूछा है कि मिनट की सुई इतनी ही देर में कितना चलेगी और हमें बहुत अच्छे से पता है कि मिनट की सुई एक मिनट में डिग्री चलती है मिनट की सुई अगर एक मिनट में डिग्री चलती है मेरे भाई मिनट की सुई एक मिनट में डिग्री चलती है तो इतने मिनट में कितना चलेगी चार बटे तीन मिनट में कितना चलेगी चार बटे तीन यानी कि आठ डिग्री यानी कि आठ डिग्री ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया था बहुत खुशी हुई हमें ये जानकर भाई सिंपल सी बात है सेकंड की जो सुई है उसकी स्पीड ये होती है इस हिसाब से हमने ये पता लगा लिया कि 480 डिग्री चलने में उसको कितना समय लगा और इतने समय में मिनट की सुई कितना चलेगी ठीक है

क्वेश्चन क्या है कि यदि घड़ी का चित्र किसी दर्पण में तीन पंद्रह दिखाता है तो सही समय क्या होगा बेटा बहुत अच्छे से बताओ आपको पता है ना कि प्रतिबिंब समय दिया है और अगर एक्चुअल समय पूछा है या फिर एक्चुअल समय दिया है प्रतिबिंब समय पूछा है तो कुछ नहीं करते हम दिए गए समय को 12 या फिर ग्यारह साठ में से घटा देते हैं दिए गए समय को 12 या फिर ग्यारह साठ में से घटा देते हैं तो ग्यारह साठ में से तीन पंद्रह घटा दो बेटा साठ में से पंद्रह घटाओगे पैंतालीस ग्यारह माइनस तीन तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आठ पैंतालीस तो मिरर इमेज के लिए बेटा बारह या ग्यारह साठ में से सीधा घटा दो जो भी समय दे रखा है उसको इतने में से घटा दो डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा बिना कुछ सोचे समझे चलिए साहब है ना द इमेज ऑफ अ क्लॉक अरे हाँ जी क्वेश्चन ये है कि एक घड़ी का चित्र एक घड़ी का चित्र किसी दर्पण में चौथाई से छह बजे दिखाता है है ना क्वार्टर टू सिक्स बेटा इस लाइन का मतलब समझ ला क्वार्टर टू सिक्स क्वार्टर टू सिक्स का मतलब है कि छह बजने में पंद्रह मिनट बाकी है छह बजने में पंद्रह मिनट बाकी चौथाई से छह का मतलब है कि छह बजने में पंद्रह मिनट बाकी है यानी कि पांच बज के पैतालीस मिनट की बात हो रही है तो सही समय क्या होगा ग्यारह साठ में से माइनस कर दो साठ माइनस पैतालीस पंद्रह ग्यारह माइनस पांच छे तो छह बज के पंद्रह मिनट क्वार्टर टू सिक्स का मतलब होता है बेटा छह बजने में अभी पंद्रह मिनट बाकी है ठीक है क्वार्टर पास्ट सिक्स होता है ना देखो ये दो है एक तो होता है पास्ट एक होता है टू है ना तो पास्ट अगर होता क्वार्टर पास्ट सिक्स तो इसका मतलब छ बजकर पंद्रह मिनट क्वार्टर टू सिक्स यानी कि छ बजने में पंद्रह मिनट ठीक है ये पहले के लिए यूज होता है पास्ट बाद के लिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए ये।, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है एक घड़ी का चित्र किसी जल में साढ़े दस दिखाता है तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा वाटर इमेज के लिए क्या करते हैं दिए गए समय को अठारह तीस या सत्रह नब्बे में से माइनस कर देते हैं जो भी समय दे रखा है उसको अठारह तीस या सत्रह नब्बे में से माइनस कर देते हैं वाटर इमेज के लिए तो बेटा समय क्या दे रखा है साढ़े दस तो साढ़े दस को कितने में से माइनस कर देंगे अठारह तीस में से है ना अच्छा अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है द इमेज ऑफ अ क्लॉक इन द वाटर सोर्स क्वार्टर पास टेन वॉट इज द रियल टाइम यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पर गलती ये है हिंदी में गलत है साढ़े दस नहीं है बेटा क्वार्टर पास दस ये है सवा दस ये है सवा दस एक घड़ी का चित्र किसी जल में सवा दस दिखाता है तो सही समय क्या होगा सवा दस का मतलब हो गया बेटा मिनट दस बज के हमारा आंसर आ गया आठ बज के पंद्रह मिनट ठीक है क्वार्टर पास्ट दस पास्ट का मतलब क्या होगा दस बजकर पंद्रह मिनट दस बजकर पंद्रह मिनट सवा दस साढ़े दस नहीं बेटा सवा दस दस बज के पंद्रह मिनट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नंबर देखो क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से सुनना इस को एक घड़ी में तीन छह के चिन्हांकित किए गए हैं तथा घड़ी को एक दर्पण के सामने रखा जाता है तथा इस व्यक्ति को दर्पण प्रतिबिंब में चार पचास दिखाई देता है तो वास्तविक समय क्या होगा एक घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा जाता है उल्टा करके एक घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा जाता है एक व्यक्ति दर्पण प्रतिबिंब 450 चार पचास दर्शा रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा अ क्लॉक ओनली विद डॉट्स मार्किंग थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व पोजिशन हैज बीन केप्ड अप साइड डाउन इन फ्रंट ऑफ अ मिरर ठीक है कहने का मतलब यह है कि घड़ी को उल्टा करके अगर हम मिरर के सामने रखते हैं घड़ी को उल्टा करके अगर हम दर्पण के सामने रखते हैं तो जो इमेज हमारी बनती है वो वाटर इमेज बनती है अगर घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखोगे तो जो इमेज बनेगी वो वाटर इमेज बनेगी तो वाटर इमेज से ही आंसर करना होगा इसको सत्रह नब्बे में से घटा दो भैया अठारह तीस या सत्रह नब्बे में से घटा देते हैं अठारह तीस या सत्रह नब्बे में से घटा देते हैं नब्बे माइनस पचास चालीस सत्रह माइनस चार तेरह तेरह बज के चालीस मिनट और तेरह चालीस का मतलब क्या है एक बजकर चालीस मिनट तेरह चालीस का मतलब क्या है एक बजकर चालीस मिनट एक बजकर चालीस मिनट तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन है, है बेटा सेम एक घड़ी में तीन छह नौ बारह चिन्ह अंकित है तथा तो घड़ी को ऊपरी दर्पण के सामने रखा जाता है नहीं घड़ी को उल्टा करके उल्टा करके दर्पण के सामने रखा जाता है तथा तो एक व्यक्ति दर्पण में दर्शा रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा बेटा अठारह तीस में से माइनस कर दो क्योंकि जब हम घड़ी को उल्टा करके रखते हैं तो वो वाटर इमेज का कंसेप्ट है ठीक है तीस माइनस तीस जीरो अठारह माइनस बारह ऑप्शन सी इज द राइट आंसर घड़ी को उल्टा करके रखोगे तो देखो कहने का मतलब क्या है कि हमने दो टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की अभी क्लॉक चैप्टर में पहला टाइप जो हमने प्रैक्टिस किया वो था आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन दूसरा टाइप हमने जो प्रैक्टिस किया वो था मिरर और वाटर इमेज बेस्ड क्वेश्चन तो दो टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली हमने चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप पर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एन एंगल वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ एन एंगल इन द वन मिनट बिटवीन द मिनट एंड द आवर निडिल ऑफ द क्लॉक घड़ी की मिनट व वा घंटे वाली सुई के बीच एक मिनट में बनने वाले कोण का मान कितना होगा बेटा एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है घंटे और मिनट की सुई के बीच घंटे की सुई एक मिनट में छह डिग्री चलती है सॉरी मिनट की सुई एक मिनट में छह डिग्री चलती है घंटे की सुई एक मिनट में हाफ डिग्री चलती है तो बेटा इनके बीच का मान कितना होगा छ माइनस हाफ डिग्री है ना बारह माइनस एक यानी कि पांच दशमलव पाँच डिग्री क्योंकि मिनट की सुई एक मिनट में छः डिग्री चलती है घंटे की सुई एक मिनट में आधा डिग्री चलती है तो एक मिनट में दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बना घटा तो एक दूसरे में से तो यानी कि साढ़े पांच डिग्री का कोण बना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दस बजकर पच्चीस मिनट पर घंटे की सुइयों घड़ी व घंटे की सुइयों के बीच कितने मिनट का सॉरी के मध्य व्रत कोण क्या होगा देखो क्वेश्चन में पता है क्या पूछा है द रिफ्लेक्स एंगल क्या पूछा है रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स एंगल एंगल बृहत बृहत कोण कोण पूछा है और अगर हम बृहत कोण की बात करें घंटे व मिनट घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य कितना वृत कोण क्या होगा रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा तो बेटा किसी भी समय दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है कैसे निकालते हैं सर एंगल कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट 60 H minus 11 M by 2. तो दस बजकर पच्चीस मिनट है इसका मतलब दस बजकर पच्चीस मिनट टेन आवर्स ट्वेंटी फाइव मिनट में एच की वैल्यू कितनी रख दूं मैं टेन मिनट की वैल्यू कितनी रखते पच्चीस बटा दो तो ये छह सौ माइनस और पांच सत्ताईस दो तीन सौ पच्चीस बटा दो तो पहला आ गया दो एक कम दो दो छिके बारह दो बासठ दशमलव एक सौ बासठ दशमलव पांच डिग्री और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि घड़ी की सुइयों के बीच में एक साथ दो कोण बनते हैं बेटा हमेशा कोई भी समय हो घड़ी में जैसे मान लो दस बजकर पच्चीस मिनट है कोई भी पर्टिकुलर समय हो तो घड़ी में हमेशा एक साथ दो कोण बनते हैं एक तो बनता है बेटा छोटा कोण एक बनता है बड़ा कोण तो हमसे ये जो पूछा जा रहा है ना रिफ्लेक्स एंगल बृहत कोण ये बड़े कोण के बारे में पूछा जा रहा है ना कि छोटे कोण के बारे में और बड़ा कोण कैसे निकालेंगे इस वैल्यू को कितने में से माइनस कर दो 360 में से माइनस करो अब अगर इसको 360 में से माइनस करें अगर इसको हम 360 में से माइनस करें बेटा तो आंसर कितना एक सौ तो कितना आ गया 9 माइनस दो सात पंद्रह माइनस छ नौ एक सौ सत्तानवे दशमलव पांच डिग्री तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए ना कि बी बी इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं देंगे क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल में हम हमेशा बड़ा कोण बताएंगे बृहत कोण में हमेशा बड़ा कोण बताएंगे ठीक है मेरे भाई हाँ जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो आंसर देने के लिए चलो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखते हैं किसका आंसर आएगा सबसे पहले जी जल्दी से आंसर दो भाई राहुल यादव देव अनुज राहुल पवन डीएस एस सुजीत मोहन विक्रांत प्रवीण अरसद आशा चमन विजेंद्र अरे वाह अनुराग आकाश गोपाल त्रिवेदी वाह बहुत बढ़िया घड़ी की सेकंड वाली सुई द्वारा पंद्रह सेकंड में कितना कोण बनता है व्हाट इज द एंगल मेड बाई सेकंड हैंड इन फिफ्टीन सेकंड और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं सेकंड की जो सुई है वो एक मिनट में 360 डिग्री चलती है सेकंड की जो सुई है वो एक मिनट में 360 डिग्री चलती है भाई सेकंड की सुई एक मिनट में पूरा एक चक्कर लगाती है तो यानी कि 60 सेकेंड में वो 360 डिग्री चलती है तो एक सेकेंड में कितना चलेगी 360 सौ साठ बटा साठ डिग्री तो हमें 15 सेकेंड में चलाना है तो 15 छिक्के 90 डिग्री तो 15 सेकेंड में कितना चलेगी अरे भाई साहब एक बच्चे ने तो पूरी कैलकुलेशन कर दी शुभम वेरी गुड इतना टाइम मिल गया तुमने पूरी कैलकुलेशन ही लिख भेज दी वाह भाई वाह ग्रेट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वट इज द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड एंड 356 भैया तीन छप्पन पर दोनों सूर्यों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा जल्दी से बताओ बेटा तीन छप्पन पर थ्री मिनट 60 एच एच की वैल्यू कितनी है तीन माइनस इलेवन एम एम की वैल्यू कितनी है छप्पन बटा दो तो 180 सौ अस्सी माइनस ग्यारह छियासठ ग्यारह पंजे पचपन और छ इकसठ बटा दो छः माइनस जीरो छः ग्यारह माइनस आठ तीन पाँच माइनस एक चार सौ छत्तीस बटा दो 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 नी चार दो एक कम दो दो अट्ठीस सोलह दो सो अठारह डिग्री ठीक है दो सौ अठारह डिग्री लेकिन दो सौ अठारह तो ऑप्शन में नहीं है बट हमें पता है ना एक साथ दो कोण बनते हैं एक तो डायरेक्ट फॉर्मूले से आ गया दूसरा 360 में से घटा दो तो 360 में से 218 को घटा दो तो दूसरा आंसर निकल कर आ जाएगा 10 माइनस आठ दो पांच माइनस एक चार तीन माइनस दो एक वन डिग्री वन डिग्री चलिए सात बजकर नौ मिनट पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा सात बजकर नौ मिनट पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा सिंपल सिक्सटी एच माइनस इलेवन एम बाई टू यही तो फॉर्मूला है बेटा तो एच की वैल्यू कितनी दे रखी है सिक्सटी एच एच की वैल्यू है सात माइनस इलेवन एम एम की वैल्यू नौ बटा दो तो सात साक्ष बयालीस माइनस ग्यारह निम्न निन्यानवे बटा दो ठीक है दस माइनस नौ एक एक ग्यारह माइनस नौ दो तीन इक्कीस बटा दो दो एकम एक दो दो छिके बारह दो पन्ज एक सौ पैंसठ दशमलव पाँच बट फिर से वही दिक्कत की एक कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा तो इसका मतलब यह है दूसरा आंसर चाहिए 360 में से घटा दो तो 360 में से अगर हम इसको घटा देते हैं तो बेटा आंसर कितना आएगा 9 माइनस पांच चार पॉइंट फोर अरे इस बार तो गड़बड़ हो गया कहाँ गलती हो गई हमसे क्या गलती कर दी हाँ जी एक सौ चौरानबे दशमलव पांच और ऑप्शन ही नहीं दे रखा एक सौ चौरानबे दशमलव पांच तो कुछ तो गलती हुई है ओहो। शिट ये भाग देने में ही हमने गलती कर दी भाई सब दो एक कम दो बचा एक दो छिखे बारह ना जाने का जीरो तब आएगा दो पंजे दस तो इसलिए कहते हैं ये छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में हो जाती हैं यही जो मिस्टेक हमसे हुई है कैलकुलेशन में वही मिस्टेक आपसे भी हो सकती है पेपर में तो ये एक सौ साठ दशमलव पांच आएगा ना कि एक right अब अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो कि भाई साहब सात और आठ बजे के बीच दोनों सूर्यों के बीच किस समय पैंतालीस डिग्री का कोण बनेगा सात और आठ बजे के बीच सात और आठ बजे के बीच दोनों सूर्यों के मध्य किस समय 45 डिग्री का कोण बनेगा एट वॉट टाइम बिटवीन सेवन एंड एट ओ क्लॉक आर द हैंड्स तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो समय निकालने की ट्रिक क्या होती है दो बटे ग्यारह ए प्लस माइनस ए है ना कोई भी एंगल किस समय बनता है डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं वेव वेयर ए है ना बेटा बजे बजे जो जो बना सात बना कितना सीधा 30 का कर दो सात या 21. तो 210 A2 जो बनाना है 45 डिग्री तो बस डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालो बेटा दो बटे ग्यारह दो सो दस प्लस माइनस एक बार क्या किया हमने एक बार हमने किया माइनस क्योंकि बेटा दो बार बनता है बटे ग्यारह इंटू एक सौ पैंसठ दो बटे ग्यारह इंटू दो सौ पचपन ये पंद्रह बार कट गया पंद्रह दूनी तीस और ये आ गया पांच सौ दस बटे ग्यारह इसको सॉल्व करोगे छियालीस से ही चार बटे ग्यारह इसका मतलब सात और आठ के बीच में दो बार पैतालीस डिग्री का कोण बना कब कब एक बार बना सात बजकर तीस मिनट पे और एक बार बना सात बजकर छियालीस सही चार बटे ग्यारह मिनट पर है ना हाँ जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला क्वेश्चन कि छह और सात बजे के बीच छ और सात बजे के बीच कितने बजे घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर या संपाती होगी ओहो एक दूसरे के ऊपर या संपाति होगी इसका मतलब पता है क्या है ऊपर या संपाति इसका मतलब है जीरो डिग्री कि जीरो डिग्री का कोण कब बनेगा जीरो डिग्री का कोण कब बनेगा तो ये पूछ रहे हैं छः और सात के बीच में जीरो डिग्री का कोण कब बनेगा जीरो डिग्री का कोण कब बनेगा छः और सात के बीच में तो बेटा ए की वैल्यू कैसे निकालोगे अभी बताया था जो एंगल छः बजे बना छिया अठारह एक सौ ए टू जो एंगल हमें बनाना है कितना बनाना है जीरो तो 360 बटे 11 तो 11 ग्यारह तेतीस ते 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 बचा तीन ग्यारह बत्तीस सही आठ बटे ग्यारह तो भाई साहब छत्तीस सही आठ बटे ग्यारह मिनट छह बजकर बत्तीस सही आठ बटे ग्यारह मिनट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बेटा बी नहीं डी नहीं सी सी इज द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं चौबीस व क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आपके सामने नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर दो चलिए कोई बात नहीं नौ बजे के पश्चात रात नौ बजे और दस बजे के बीच किस समय पर घंटे वाली सुई तथा तो मिनट वाली सुई की विपरीत दिशा में होगी तो विपरीत दिशा का मतलब आप समझते हो कितने डिग्री की बात हो रही है सर विपरीत दिशा का मतलब है एक सौ अस्सी डिग्री वेन द हैंड्स आर अपोजिट टू ईच अदर तो हमसे पूछा है आठ और नौ बजे सॉरी नौ और दस बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा और आप लोगों को पता है फॉर्मूला दो बटे ग्यारह ए वन प्लस माइनस ए टू ए वन की वैल्यू कैसे निकालोगे वही नोतिया सत्ताईस दो सौ सत्तर प्लस माइनस एक सौ अस्सी अब आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं अगर आपने इसमें 180 की वैल्यू ऐड कर दी तो बेटा ये जो टोटल मिनट्स है ना इसकी वैल्यू साठ से ज्यादा आ जाएगी और मिनट की वैल्यू साठ से ज्यादा आ नहीं सकती क्योंकि अगर ये साठ से ज्यादा है तो बेटा टाइम नौ बजकर नहीं दस मिनट कर आएगा इसीलिए हमें प्लस की जगह क्या करना होगा माइनस करना होगा दो सौ सत्तर माइनस एक सौ अस्सी नब्बे नब्बे दूनी एक सौ अस्सी बटे ग्यारह तो ये कितना आ गया ग्यारह एक कम ग्यारह बचे सात ग्यारह छिक छियासठ सोलह से ही चार बटे ग्यारह यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नौ बजकर सोलह से ही चार बटे ग्यारह मिनट चौबीस क्वेश्चन हो गए चलिए अब भाई साहब पच्चीसवें क्वेश्चन पर आ जाओ पांच और साढ़े पांच बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइया नब्बे डिग्री का कोण बनाएंगी पांच और साढ़े पांच बजे के बीच नब्बे डिग्री का कोण कब बनेगा पांच और साढ़े पांच के बीच दोनों सुइया नब्बे डिग्री का कोण कब बनाएंगी पांच और साढ़े पांच के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? फिर से वही 2 बटे 11 a1 प्लस माइनस a2 a1 की वैल्यू 5 बढ़ा 30 इतनी देर में तो आप सीख भी गए होंगे तो 535 a2 की वैल्यू 90 तो एक बार बेटा प्लस एक बार माइनस है ना तो 500 माइनस 90 एक बार 500 प्लस 90 ठीक है।, है मेरे भाई हाँ जी डेढ़ सौ प्लस नब्बे तो डेढ़ सौ माइनस नब्बे करोगे तो कितना आएगा साठ आएगा और डेढ़ सौ प्लस नब्बे करोगे तो कितना आएगा दो सौ चालीस आएगा ठीक है हाँ जी तो ये आ गया एक सौ बीस बटे ग्यारह और ये आ गया चार सौ अस्सी बटे ग्यारह इसको सॉल्व करो ग्यारह एक कम ग्यारह बचाए एक ना का जीरो दस सही दस बटे ग्यारह और इसकी वैल्यू ग्यारह चौक चौबालीस बचे चार ग्यारह तिया तेतीस तेतालीस सही साठ बटे ग्यारह लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है पांच और साढ़े पांच बजे के बीच और ये जो समय निकल कर आया है बेटा ये जो समय है ये साढ़े पांच के बाद का समय है इसीलिए इस समय को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे हमारा आंसर होगा सिर्फ ये वाला दस बजकर दस से ही ग्यारह दस बजकर दस बटा ग्यारह सॉरी पांच बजकर दस से ही दस बटे ग्यारह दस से ही दस बटे ग्यारह कितने बजकर पांच बजकर ऑप्शन इज द राइट आंसर ठीक है जी, सारे आंसर सही दे रहे हो तुम हाँ पच्चीस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तुमने, चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर दो, एक घड़ी तीन बजे का समय दिखा रही है घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या दिखाएगी इस क्वेश्चन का आंसर दो ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दो देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देगा एक घड़ी में तीन बजे हैं घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय दिखाएगी घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय दिखाएगी जल्दी से कम हरे हरिया जल्दी 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 सबसे पहला आंसर आया मनोज वाह वाह मनोज ग्रेट सुख क्या नाम है सुखजीत सिंह शाबाश, सुखजीत सिंह मनीष यादव शाबाश, मेडिकल मैं मेडिकल भी नाम है दीपक नहीं है गलत कपिल कौशिक वेल्डन विकास कुमार मिश्रा जी शाबाश वेल्डन अजीत स्वप्निल खुशी अब तो सही आंसर दोगे हर्षित राजेश वेल्डन गुड गुड सुमित दीपक शाब्बाश देखो क्वेश्चन ये है कि घंटे की सुई 135 मिनट डिग्री चल चुकी है और जो घंटे की सुई होती है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं एक मिनट में कितना घूमती है सिर्फ आधा डिग्री जितने मिनट होते हैं उसका हाफ डिग्री ही चल पाती है घंटे की सुई तो हमें घंटे की सुई को 135 डिग्री घुमाना है इसको हम पलट के लिख दे घंटे की सुई हाफ डिग्री एक मिनट में चलती है इसका मतलब घंटे की सुई एक डिग्री दो मिनट में चल पाती है तो मेरे भाई घंटे की सुई को कितने डिग्री घुमाना है 135 डिग्री तो घंटे की सुई 135 डिग्री कितने मिनट में कवर करेगी 270 मिनट में तो अगर घंटे की सुई 135 डिग्री चली है इसका मतलब टोटल 270 मिनट निकल चुके हैं तो बेटा तीन बजे में ये 270 मिनट जोड़ दो अब तीन में 270 कैसे जोड़ोगे बेटा 270 को 60 के मल्टीपल में डिवाइड करो 270 को 60, 270 मिनट को हम लिख सकते हैं 240 मिनट प्लस 30 मिनट 240 मिनट का मतलब कितना है छे चौक चौबीस साठ गुना चार साठ गुना चार का मतलब चार घंटे तीस मिनट बेटा तीन बजे में चार घंटे तीस मिनट जोड़ दो तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा सेवन थर्टी निर्मल चौधरी चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो दो और तीन बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय एक ही सीधी में होंगी लेकिन एक साथ नहीं होंगी बेटा एक सीधी रेखा में है लेकिन एक साथ नहीं है एक सीधी रेखा में है लेकिन एक साथ नहीं है इसका मतलब एक सीध में है लेकिन एक साथ नहीं है इसका मतलब अपोजिट टू इच अदर वन एट्टी डिग्री बेटा एक सीधी रेखा तो है लेकिन एक साथ नहीं यानी कि जीरो डिग्री नहीं है जीरो नहीं है तो वन एट्टी डिग्री है तो हमसे पूछा है दो और तीन के बीच में दो और तीन के बीच में दो और तीन के बीच में वन एट्टी डिग्री कब बनेगा तो बेटा दो बटे ग्यारह ए वन प्लस माइनस ए टू है ना अब आप लोग परफेक्ट हो गए होंगे ए वन में दो गुण तीस तो दो बटे ग्यारह साठ अब देखो ये वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती तो बेटा मैं साठ में से एक सौ अस्सी घटा नहीं सकता तो जोड़ूंगा है ना तो साठ प्लस एक सौ अस्सी दो सौ चालीस ये कितना हो गया आठ सौ चालीस बटे ग्यारह तो ग्यारह चौक चौवालीस बचे चार ठीक है मेरे भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ओहो चलिए देखो आपने देखते ही देखते बेटा कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली पता है इस चैप्टर में मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ आपने आई क्यू बेस्ड वाले क्वेश्चन पढ़ लिए इस चैप्टर के अंदर जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए थे इस बार आपने इमेज वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है है ना आपने टाइम एंगल वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली एंगल आपने टाइम वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली बट आपने स्पेशल एंगल वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आप ऑलरेडी कर चुके हो आज की क्लास में अब एक लास्ट पोर्सन बचा है इस चैप्टर में डेट इज फ्रॉम क्लॉक एरर है ना एरर वाले क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम तो जरा ये क्वेश्चन आपके सामने है सॉल्व करके दिखा दो इस क्वेश्चन को यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को अट्ठावन मिनट में पार कर लेती है बेटा आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं रीजनिंग में दोनों सुइयों के मिलने का समय क्या होता है किसी भी घड़ी में है रीजनिंग में नहीं घड़ी में ये बच्चा था रीजनिंग अशोक महान कहा जाता है वैसे ऐसा नहीं है कुछ भी भैया हाँ जी बेटा किसी भी घड़ी में दोनों सुइयों के मिलने का समय क्या होता है जल्दी से बताओ किसी भी घड़ी में दोनों सुइयों के मिलने का समय आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है हर घड़ी में हर पैंसठ से ही पांच बटे दोनों सुइया आपस में मिलती हैं किसी भी घड़ी में हर पैंसठ से ही पांच बटे ग्यारह मिनट बाद दोनों सुइयाँ आपस में मिलती हैं तो दोनों सुइयों के मिलने का जो समय दे रखा है वो है अट्ठावन तो डायरेक्ट ट्रिक क्या थी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रिक ये थी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो भी समय दोनों के मिलने के दे रखा है उस समय को इसमें से घटा दो इसी में भाग कर दो चौबीस घंटे मतलब बस ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया डायरेक्ट ये हमारे क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हो गया अब भाई साहब देखो हम इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर कैसे दें पहले तो आप ये बताओ घड़ी लॉस में होगी या गेन में होगी घड़ी लॉस में होगी या गेन में ये समय दोनों सुइयों को मिलने का जो समय है वो इससे कम है अगर ये समय इससे कम है तो घड़ी बेटा लॉस में कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि ये समय अगर इससे कम है इसका मतलब दोनों सुइयों के मिलने का समय कम है तो इसका मतलब घड़ी हमारी फास्ट है तो दो ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट करती है अब आप नीचे ये देखो बेटा नीचे दो आएगा या तीन आएगा तो कैसे चेक करें देखो दो दूनी चार दो निम अठारह और ये बारह बार कट गया और नीचे ग्यारह का मल्टीपल होना है तो ग्यारह गुणा उन्तीस कितना होगा ग्यारह निन्यानवे ग्यारह दूनी बाईस बाईस और नौ कितना होगा इकतीस तो नीचे बेटा तीन सौ उन्नीस आएगा ना कि दो सो उन्नीस तो बिना कैलकुलेशन के हमने आंसर दे दिया ऑप्शन बी तो एग्जाम में भी ठीक ऐसे ही आपको आंसर देना पड़ेगा आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जो भी दोनों के मिलने का समय हो उस समय को इसमें से घटाकर इसी में भाग कर दो और मल्टीप्लाई टोटल टाइम जितनी देर में वो पूछना चाह रहा है उसने पूछा एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज होगी इसीलिए चौबीस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने देखा कि नीचे तीन सौ उन्नीस किसमें है जिसमें है वही सही है पूरी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हाँ जी एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को छिहत्तर मिनट में पार करती है अब देखो इस क्वेश्चन में दोनों सुइयों के मिलने का समय क्या है छिहत्तर तो पैंसठ से ही पांच बटे ग्यारह में से हम छिहत्तर को घटाएंगे छिहत्तर से भाग कर देंगे जिससे घटाएंगे उसी से भाग करते हैं मल्टीप्लाई टोटल टाइम एक दिन एक दिन का मतलब चौबीस अरे एक दिन का मतलब चौबीस हो गया क्वेश्चन सॉल्व अच्छा अब ये बताओ घड़ी पहले लॉस में है या गेन में है घड़ी लॉस में है या गेन में है सर ये जो छिहत्तर है ना वो पैंसठ से ही 5 बटे ग्यारह से ज्यादा है तो अगर दोनों सुइयों के मिलने का समय इससे ज्यादा है तो घड़ी हमारी लॉस इसका मतलब दो ऑप्शन एलिमिनेट गेन वाले अब नीचे देखो नीचे दोनों में दो सौ है अब मर गए साहब अब तो मर गए क्योंकि ये तो बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है।, है ना अब हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अब हम मर गए क्योंकि ये एक है और ये एक है तो बहुत ही ज्यादा नजदीकी कैलकुलेशन है तो यहाँ पर तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा अब थोड़ी मैथ्स की अप्रोच आपके काम आएंगी और क्या कर सकते हैं जो मैथ्स की ट्रिक है वो आपके काम आएंगी भैया वो कर लो कैलकुलेशन यहाँ पर ठीक है हम्म चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एक घड़ी को रविवार सुबह आठ बजे सेट किया गया और यह हर 24 घंटे में 8 मिनट तेज हो जाती है अच्छा पहले तो आप ये बताओ ये जो अभी हमने क्लॉक एरर का क्वेश्चन किया वो टाइप वन का एक क्वेश्चन था यह क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था हम्म ये किस टाइप के एरर का क्वेश्चन है सर ये रॉन्ग राइट ये वो क्वेश्चन है जिसमें राइट और रॉन्ग का रिलेशन दिया होता है ये वो क्वेश्चन है जिसमें राइट और रॉन्ग का रिलेशन दिया होता है तो मेरे भाई मेरे दोस्त एक घड़ी में एक घड़ी को रविवार सुबह आठ बजे सही किया गया रविवार सुबह आठ बजे सही किया गया और यह घड़ी हर चौबीस घंटे में आठ मिनट तेज हो जाती है ठीक है तो घड़ी आने वाले रविवार के रात नौ बजे क्या समय दिखाएगी आने वाले रविवार के रात नौ बजे क्या समय दिखाएगी ओहो तो काफी खतरनाक चीज हो गई भाई इतना घंटा ये कितने कितने घंटों का अंतराल है बेटा ये पूरे सात दिन का अंतर है तो चौबीस गुणा सात इतने तो घंटे हो गए इतने घंटे के बाद हम बेटा सुबह आठ से सुबह आठ पहुँचेंगे संडे सुबह आठ से संडे सुबह आठ लेकिन हमें रात के नौ पहुँचना है तो हमें कितने घंटे और ऐड करने हैं तेरह घंटे और ऐड करने हैं तेरह घंटे और ऐड करने हैं है. तभी तो हम रात के नौ तक पहुंचेंगे क्योंकि सुबह के आठ से रात के आठ बारह घंटे और एक घंटा और तो टोटल कितने घंटे हो गए सात चौक सौ कट्ठाइस सातम सात चौक कट्ठाईस हाँ से लगे दो सात दो चौदह और दो सोलह प्लस तेरह आठ और तीन ग्यारह छह और एक सात और एक आठ एक सौ इक्यासी घंटे ओ oh माई गॉड हाँ जी तो भाई साहब घड़ी चौबीस घंटे में अगर आठ मिनट तेज होती है तो एक सौ इक्यासी घंटे में कितना मिनट तेज हो जाएगी एक सौ इक्यासी घंटे में कितना मिनट चौबीस घंटे में अगर वो आठ मिनट तेज होती है तो एक सौ इक्यासी में कितना तेज होगी आठ बजे चौबीस गुणा एक सौ इक्यासी इतने घंटे घड़ी तेज हो जाएगी तो इसका मतलब ये है बेटा आंसर जो आएगा हमारा वो एग्जैक्ट तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट आवर्स नहीं निकलेंगे देखो कितना निकला आठ चौबीस और ये कितना निकला ये मिनट है बेटा मिनट ये वैल्यू मिनट में आ रही है निकल का ये कितना आया तीन छिंग अठारह न जाने का जीरो समथिंग है ना साठ सही एक बटा तीन मिनट ये आ गया ये कहा कैलकुलेशन गलत कर दी हमने इट गेंस एट मिनट इन ट्वेंटी फोर आवर वॉट इज द करेक्ट टाइम वेन द क्लॉक ओ एक्चुअली हिंदी में क्वेश्चन कुछ और है इंग्लिश में क्वेश्चन कुछ और है हिंदी की लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन कुछ और था और इंग्लिश की लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन कुछ और था देखो इंग्लिश की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं हिंदी की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या था कि घड़ी आने वाले रविवार के रात नौ बजे क्या दर्शाएगी यानी कि गलत घड़ी क्या दर्शाएगी लेकिन अगर इंग्लिश की लैंग्वेज को हम पढ़ें तो उसमें क्या दे रखा है देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन वट इज द करेक्ट टाइम वेन द क्लॉक इंडिकेट नाइन पी एम ऑन कि इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये जो एक सौ इक्यासी घंटे चले गए हैं बेटा ये सही घड़ी ने नहीं ये गलत घड़ी ने चले हैं ये गलत घड़ी द्वारा चला गया समय है और हमसे पूछा है वॉट इज द करेक्ट टाइम ट्रू टाइम क्या होगा तो मेरे दोस्त अब थोड़ा सा हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि जब सही घड़ी 24 घंटे चलती है जब सही घड़ी 24 घंटे चलती है तो गलत घड़ी कितना चलती है सर गलत घड़ी 8 मिनट तेज हो जाती है यानी कि गलत घड़ी चलती है 24 घंटे प्लस 8 मिनट ये दोनों वैल्यूज मिनट में कैलकुलेट कर लो छः छः चौबीस छः दो नहीं बारह दो चौदह चालीस मिनट जब सही घड़ी चलती है तो गलत चलती है चौदह अड़तालीस मिनट चौदह अड़तालीस मिनट बात समझ आ रही है जब सही घड़ी 1440 मिनट चलती है तो गलत चलती है 1448 मिनट अब यहाँ पर जो समय निकाला है हमने 181 घंटे का ये 181 घंटे बेटा किस घड़ी द्वारा चले गए हैं गलत घड़ी द्वारा चले गए हैं क्योंकि हमसे पूछा है सही समय क्या होगा तो ये जो समय दिखाया जा रहा है ये गलत घड़ी द्वारा समय दिखाया गया है तो ये जो समय है ये गलत घड़ी द्वारा चला गया है तो एक सौ इक्यासी घंटे जब गलत घड़ी चलती है एक सौ इक्यासी गुणा साठ मिनट जब गलत घड़ी चलती है तो सही घड़ी कितना चलेगी ये क्वेश्चन है अब समझ आया क्वेश्चन क्या था तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे चौदह सो चालीस बटा चौदह अड़तालीस गुणा एक सौ इक्यासी तो इतने आवर्स हमारी सही घड़ी चलेगी इतने घंटे चलेगी सही गाड़ी हाँ जी तो इस कैलकुलेशन को कर लो ठीक है और उस बेसिस पे आंसर निकाल दो नौ आठ दस या साढ़े आठ बजेंगे क्योंकि जो सही समय होगा बेटा वो नौ बजे से कम होगा ये तो पक्का पता है जो सही समय होगा वो नौ बजे से कम होगा क्यों क्योंकि ये जो रविवार के रात के नौ दिखाए गए हैं ये किस घड़ी द्वारा दिखाए गए हैं जो घड़ी गलत है जो घड़ी तेज हो रही है तो अगर ये समय तेज घड़ी का है तो जो सही समय होगा वो इससे कम होगा अब इससे कम इन दोनों में से कोई एक होगा ठीक है इससे कम इन दोनों में से कोई एक होगा अगर ये वैल्यू निकल के आती है हमारी एक सौ घंटे तो डेफिनेटली आठ आंसर होगा और ये वैल्यू निकल कर आती है अगर एक तो आंसर होगा साढ़े आठ ठीक है तो ये वैल्यू कितनी आई निकल के ये आई 180 क्यों भाई 180 निकल के आई या 180.5 जल्दी से बताओ ये कैलकुलेशन करके बताओ हम्म किससे कैलकुलेट करें आठ से आठ एकम आठ बचे छः अठो टू चौंसठ आठ एकम आठ और ये आठ से माइनस करो आठ एकम आठ बचे छः अट्ठो टू चौंसठ और एक सौ इक्यासी से एक सौ इक्यासी कट गए तो ये वैल्यू निकल कर आ गई एक सौ अस्सी घंटे यानी कि सही घड़ी गलत घड़ी से एक घंटा कम चलेगी एक घंटा कम चलेगी इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा आठ ठीक है हाँ जी हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन एक घड़ी जो समान रूप से तेज होती है रविवार सुबह नौ बजे चार मिनट पीछे थी ओहो एक घड़ी जो है वो रविवार सुबह नौ बजे चार मिनट पीछे थी ये चार मिनट पीछे थी और यही घड़ी आने वाले शुक्रवार रात नौ बजे पंद्रह सेकंड तेज थी चार मिनट पंद्रह सेकंड तेज थी भाई साहब तो हमसे पूछा है इसने वास्तविक समय कब दर्शाया होगा पहले तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो एक घड़ी है बेटा वो रविवार सुबह नौ बजे चार मिनट पीछे है चार मिनट पीछे है और यही घड़ी अगले शुक्रवार को चार मिनट आगे है तो एक ऐसी सिचुएशन आई होगी जब ये एकदम सही समय से होके गुजरी होगी मान लो पहले तुम पीछे दौड़ रहे हो फिर तुम आगे दौड़ने लग जाओ तो तुम एक ऐसे समय से होके गुजरोगे जब तुम एकदम सही दौड़ रहे होगे मतलब आप किसी से पीछे हो अचानक से उसके आगे निकल जाओ तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब आप उसके बराबर होके आओगे तो हमसे वही पूछा है कि वो कौन सा समय था जब घड़ी ने सही समय दिखाया होगा तो मेरे भाई मेरे दोस्त बस मुझे इतना बता दो संडे सुबह नौ से फ्राइडे रात के नौ टोटल कितना समय होगा संडे सुबह नौ से मंडे सुबह नौ चौबीस ट्यूसडे सुबह नौ अड़तालीस वेस्डे फिर थर्सडे फिर फ्राइडे मंडे ट्यूसडे वेस्डे थर्सडे फ्राइडे पांच दिन चौबीस घंटे पांच दिन के बाद हम फ्राइडे सुबह नौ पहुंचे लेकिन हमें रात के नौ पहुंचना है तो बारह घंटे और जोड़ दो पाँच चौक बीस पादुनी दस दस और दो बारह एक सौ बीस प्लस बारह टोटल हो गए बेटा एक सौ बत्तीस घंटे तो मुझे एक बात बता दो कि घड़ी चार मिनट पीछे थे चार मिनट तेज हो गई कितने समय में एक सौ बत्तीस तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है जब घड़ी स्लो से फास्ट या फास्ट से स्लो हो तो डायरेक्ट आंसर कैसे देते हैं जो भी पहले समय दे रखा है उसको ऊपर लिखो नीचे दोनों को जोड़ दो चार और चार आठ आठ मिनट पंद्रह सेकेंड मल्टीप्लाई टोटल टाइम एक सौ बत्तीस घंटे तो घड़ी इतने घंटों के बाद एकदम सही समय दिखाई अब इसको कैलकुलेट कर लो कैसे करोगे ये मिनट था, साठ यानी कि एक बटे चार आठ प्लस एक बटे चार आठ सौ बत्तीस और तेतीस ते बटे चार चार ऊपर चला गया तो चार गुणा चार बटा तेतीस गुणा एक सौ बत्तीस ग्यारह तीरह तेतीस ग्यारह एकम ग्यारह ग्यारह बाईस तीन चौक बारह चार चौक सोलह सोलह चौक चौंसठ तो ठीक चौंसठ घंटे बाद घड़ी एकदम सही समय दिखाएगी ठीक चौंसठ घंटे बाद किसके चौंसठ घंटे बाद संडे सुबह नौ अब बेटा संडे सुबह नौ में चौंसठ घंटे कैसे जोड़ोगे संडे सुबह नौ में चौसठ घंटे कैसे जोड़ोगे पहले कितने जोड़ोगे अड़तालीस चौबीस के मल्टीपल में जोड़ते हैं अड़तालीस चौबीस और चौबीस अड़तालीस और चौबीस बहत्तर बहत्तर जोड़ दो सीधा चलो एक काम करो बहत्तर जोड़ दो तो तीन दिन आ गए मंडे ट्यूसडे वेस्डे लेकिन हमें जोड़ने कितने घंटे थे सिर्फ चौसठ कितने घंटे कम कर दो इसमें आठ घंटे कम कर दो तो बेटा नौ में आठ कम करो सुबह नौ में आठ घंटे कम करेंगे तो सुबह का एक बचेगा रात का एक को सुबह का एक बोलते वेस्डे वन एम किसी ने दिया था आंसर बेस्टे मानसी गुप्ता रजक जी हाँ जी ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी टू एक घड़ी प्रत्येक तीन घंटे में बारह सेकंड बढ़ जाती है यदि उसे रविवार तीन बजे सही सेट किए चालू किया गया तो मंगलवार को प्रातः दस बजे क्या समय दिखाएगी देन व्हाट द टाइम शो ओके देखो ये क्वेश्चन क्या है कि गलत घड़ी क्या समय दिखाएगी एक घड़ी हर तीन घंटे में बारह सेकंड तेज हो जाती है एक घड़ी हर तीन घंटे में बारह सेकेंड तेज हो जाती है और इस घड़ी को रविवार दोपहर तीन बजे सही सेट किया गया तो यही घड़ी यही घड़ी मंगलवार प्रातः दस बजे यही घड़ी मंगलवार प्रातः दस बजे क्या समय दिखाएगी तो इस बार जो हमसे समय पूछा है वो गलत घड़ी द्वारा दर्शाया गया समय पूछा है तो मेरे भाई संडे दोपहर तीन से मंगलवार सुबह दस टोटल कितने घंटे होते हैं संडे से मंडे मंडे से ट्यूसडे तो 48 घंटे हो गए लेकिन 48 घंटे के बाद मंडे ट्यूसडे 48 घंटे के बाद हम दोपहर के तीन पहुंचेंगे लेकिन हमें सुबह के दस पे रुकना है यानी कि हमें पाँच घंटे पहले रुकना है तो ये कितना आ गया ये आ गया तैतालीस घंटे तो बेटा ये तैतालीस घंटे किस घड़ी ने चला गया सही घड़ी ने तो गलत घड़ी हर तीन घंटे में बारह सेकेंड तेज होती है तो तैतालीस घंटे में उसका क्या होगा वो बारह बटा तीन गुणा तैतालीस यानी कि चारिया बारह चार चौक सोलह एक सौ सो बहत्तर क्या एक सौ बहत्तर सेकेंड एक सौ बहत्तर सेकेंड तेज हो जाएगी एक सौ बहत्तर सेकेंड तेज होने का मतलब है साठ दूनी एक सौ बीस एक सौ बीस प्लस कितना हो गया बावन सेकेंड ठीक है एक सौ बीस का मतलब दो मिनट बावन सेकेंड घड़ी हमारी फास्ट हो जाएगी तो इससे दो मिनट बावन सेकंड तेज हो जाएगी तो दस बजकर दो मिनट बावन सेकंड घड़ी हमारी फास्ट हो जाएगी तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई आप लोगों ने आप लोगों ने इस चैप्टर में बेटा आईक्यू बेस्ड वाले क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर ली एंगल वाले क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर ली स्पेशल एंगल वाले क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर ली टाइम निकालने की भी प्रैक्टिस कर ली क्लॉक एरर के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर ली तो मैंने सारे ही क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस करा दी इस चैप्टर के अंदर ठीक है जितने भी टाइप के क्वेश्चंस थे हर टाइप के क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस की है ठीक क्लॉक चैप्टर तो के अंदर और आप देख लो कितने क्वेश्चंस आप लोग सही बना पाए थे या कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिसका आंसर देने में आपको समय लगा या कहाँ आपके कंसेप्ट लूज हैं कौन से कंसेप्ट हैं जो आपको और मजबूत करने हैं ठीक है पिंकी का जन्म 29 फरवरी 2016 को हुआ तो जो सोमवार था वर्ष दो हजार तक रहती है तो वह सोमवार को कितने बार मनाएगी हैं? तो वह सोमवार को आप बेटा ये चेक करो 29 फरवरी 2016 का जैसे कितने ऐसे कौन कौन से वर्ष होंगे जिसमें 29 फरवरी 2016 में ऑर्डेस जीरो निकलेंगे जीरो ऑर्डेस तो बस उतनी बार मनाएगी वो हम्म और बेटा दरोगा हप्पू सिंह नाम है तुम्हारा है चलिए तो कौन कौन थे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे आज की क्लास में बंटू सिंह बंटू सिंह चंदन यादव ध्रुव कुमार पटना भी आएंगे जरूर आएंगे भाई क्यों नहीं आएंगे नागेंद्र समझू काजल वैनीवाल राहुल शंकर अमित केतन आशुतोष देवेंद्र कविता कपिल लोकेश जितेंद्र मुकेश शिवम सुनील जोगेश अनिल अभिषेक योगेश प्रीतम हिमांशु राकेश आशुतोष बंटी भोला आदित्य मिनिस्टर आप सभी एकदम परफेक्ट हैं हाँ तो भैया सभी हंसते रहो मुस्कुराते रहो यही हमारी ईश्वर से कामना है ठीक है अच्छे से मेहनत करो पढ़ाई करो अपने माँ बाप का सत कामों में नाम रोशन करो उन्हें कभी भी दुख मत पहुंचाना ठीक है उन्हें हमेशा खुशी रखना क्योंकि इस पृथ्वी पे दो ही ईश्वर हैं, सिर्फ मम्मी पापा उनके अलावा कोई भी नहीं है सिर्फ माता पिता उनके अलावा कोई भी नहीं ठीक है तो हमेशा याद रखना उनके दिल को टो ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए कभी भी जीवन में ऐसा काम मत करना ठीक है यस चलिए तो भाई सभी हंसते रहें और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तहे दिल से मुलाकात करते हैं नेक्स्ट तब तक के लिए गुड बाय आज हमने सिर्फ और सिर्फ क्लॉक के क्वेश्चन की, की प्रैक्टिस की है कल हम एक दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे कल हम नेक्स्ट चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे ठीक है चलिए तो थैंक यू सो मच गाइज थैंक सलॉट गुड बाय टेक केयर योर सेल्फ बाय एंड लव यू ऑल टेक केयर थैंक यू सो मच